कुतुबुल अखताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानका में बैठा था। अचानक एक ताजर एक दुनियादार शख्स आया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बैठे हुए आपके एक मुरीद शेख अली अलैह रहमा जिनका नाम था उनकी तरफ वो ताजर तेजी से बढ़ा और शेख अली का गिरेबान पकड़ लिया। मेरे पैसे कब दोगे और कितने वादे करोगे? लाओ मेरी रकम वापस करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सारी सूरत हाल से बेखबर थे, जल्दी से उठे और उठ करके उस ताजर से कहा कि मुअम्मा क्या है, बात क्या है? कहा हुजूर बहुत अरसे थे आपके इस मुरीद शेख अली ने मेरी रकम देनी है और वापस नहीं करता। ख्वाजा साहब अलैह रहमा ने शेख अली की तरफ देखा और फरमाया ये मामला क्या है? अर्ज की हुजूर गरीब हूं, कमजोर हूं, तंगदस्त हूं, कसदन ऐसा नहीं कर रहा, इससे कुछ मोहलत ले चुका हूं, वो खत्म हुई, अब और मोहलत का सवाल ही हूं, पर ये मुझे मोहलत देने को तैयार नहीं है। ख्वाजा अजमेर अलैह रहमा ने उस ताजर की तरफ देखा और फरमाया गरीब है, मजबूर है, इस वक्त तंगदस्त है, इसको कुछ मोहलत दे दो, यकीनन तुम्हारी रकम लौटा देगा। उसने हजरत ख्वाजा अलैह रहमा के साथ भी तोहीन अमेज लहजा माजल्ला इख्तियार किया, अभी लेकर के जाऊंगा, पूरी रकम लेकर के जाऊंगा, वरना ना सिर्फ ये कि इसे रुसवा करूंगा बल्कि मैं इसे बाजारों में खींचूंगा। ख्वाजा कुतुब अलैह रहमा फरमाते हैं जितने लोग वहां बैठे थे उन सब की तरफ जब शेख अली देखते तो कमजोर पड़ते, रोते मेरे पीर भाइयों के बीच आकर, सरेआम इतने लोगों में मेरी इतनी रुसवाई कर डाली। ख्वाजा अजमेर ने अपने उस मुरीद की आंखों में जब आंसू देखे तो बड़ा ही दिल नरम हुआ, उसको कहा कुछ मोहलत दे दे। उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो अभी अपनी रकम चाहिए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जमीन पर चादर बिछाई, चंद सिक्के जेब से क्या निकाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने भरे खजानों से दौलत अता फरमा दी, ये है तुम्हारी रकम, उठाओ और ले जाओ। तुम्हें फकीरों को इस तरह रुसवा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें खानकाहों में बैठे इन सादा और कमजोर लोगों के साथ ये रवैया रवा न रखना चाहिए था। ये कहा उस शख्स ने पैसे उठाने शुरू किए और उठाते उठाते ना जब उसकी नजर ज्यादा माल पे पड़ी तो कुछ ज्यादा पैसे भी उठा लिए। जरा नजर बचा के देखता कि ख्वाजा साहब देख तो नहीं रहे, कुछ ज्यादा रकम हथियाई और वो चलता बना। हजरत ख्वाजा अलैह रहमा ने शेख अली को थपकी दी, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत रखी पर एक बात मेरी याद रखना, जब भी भरोसा करने को दिल हुआ, जब भी किसी तरफ सहारा ढूंढने का दिल हुआ तो या खुदा की तरफ देखना या मोहम्मद मुस्तफा की तरफ देखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या दरवेशों का क्या काम कि वो दुनियादारों से पैसे ले और दुनियादारों के साथ मामलात करे? तुम्हारी ये रवज अच्छी नहीं लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा वकार रखा। ख्वाजा कुतुब कहते हैं वो बात तो खत्म हो गई लेकिन शेख अली के चेहरे पर कई दिनों तक अफसुर्दगी रही। वो उन सब लोगों को पलट पलट के देखते जिनके सामने आके उसने गिरेबान पकड़ा था तो बेचारों की तबीयत बिगड़ती, दिल पे अफसोस होता, इसको ऐसा ना करना चाहिए था, मेरी गरीबी का यूं मजाक ना उड़ाता। कहते हैं चंद हफ्ते गुजरे तो उस ताजर को हमने दोबारा ख्वाजा साहब की खानकाह में दाखिल होते देखा, लेकिन अब के वो बड़ा ही परेशान आया, अब के वो बड़ा ही अफसुर्दा आया, अब के वो आया तो हांफता कांपता तड़पता आया, चादर बड़ी सारी ओढ़ रखी है, आते ही हजरत ख्वाजा की खिदमत में बैठा, तड़प के रोने लगा, कहने लगा अजमेर के बादशाह भूल गया था, माफी हो सकती है, गलती हो गई थी, दरगुजर का सवाली बन के आया हूं, अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ले फरमाने लगे पहेलियां ना बुझा, जो बात है उसको खोल करके बयान कर, फकीर तेरी हर बात सुनने को और दरगुजर करने को तैयार है। उसने अपना हाथ चादर की ओट से निकाला तो कहने लगा हुजूर खुश हो गया, उठता ही नहीं, हुजूर तकलीफ में हूं, आजमाइश में हूं, हुआ दरअसल ये था कि मैंने ना वो मैंने सिक्के उठाते उठाते ना आपसे नजर बचा के कुछ ज्यादा उठा लिए थे, तो आपकी नाजायज दौलत, मैंने आपकी दौलत को नाजायज हासिल कर लिया था, तो हुजूर उस सबब से मेरा हाथ छल हो गया, मुझे उतने लेने चाहिए थे जितने मेरे बनते थे, मैंने नाजायज पैसे ले लिए।
ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे, दुनियादार है तो अभी तक दुनियादारी में ही अड़ा हुआ है तू, दुनियादार है तो अभी तक तेरा ख्याल सिक्कों में, पैसों में, धेलों और अशरफियों में अड़ा हुआ है। फरमाने लगे, मुझे पता था तू ज्यादा उठा रहा है, लेकिन फकीर के पास जो खजाने हैं वो इसके जाती नहीं, वो रब करीम के दिए हुए हैं। अल्लाह के खजानों में से कोई ले गया तो ले गया, लेकिन तू ये क्या समझता है कि ज्यादा सिक्के उठाने की वजह से तेरा हाथ शल हुआ है? ये इसलिए तेरा हाथ खुश्क हो गया है कि तूने एक फकीर और दरवेश को भरे मजमे के अंदर रुसवा कर डाला था। तेरा ज्यादा पैसे लेने की वजह से हाथ कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वो जो तूने उस गरीब के गले में हाथ डाला था और उसे रुसवा कर डाला था, तू क्या समझता है वो लावारिस है? अगर वो कमजोर है, तंग दस्त है, तो बंदा तो रब करीम का ही है ना। जो ताजर, सेठ, नवाब और जिम्मेदार का रब है, गरीबों का भी वही रब है, इन मिस्कीनों का भी वही रब है, इन कमजोरों का भी वही रब है। कहने लगा, हुजूर माफी का सवाल ही हूं। फरमाया, उठ के जा और भरे मजमे में जाके इस दफा एक दफा उस दरवेश से माफी मांग, मुझे उम्मीद है अर्श का रब तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक दफा माफी मांग ले, जा सवाल कर ले। वो शेख अली के सामने आके खड़ा हुआ, वो कहने लगा, अगर आप माफ कर दें तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। शेख अली की आंखों में छम छम आंसू बरसे, कहने लगा, आपने माफ किया कि नहीं किया? कहने लगे, यार तू ताजर है, तू जिम्मेदार है, तेरे दिल में पता नहीं क्या तसव्वुर है, पर मैंने तो माफ करना ही है, इसलिए कि ना मैं ताजर हूं, ना मैं जिम्मेदार हूं, ना मैं दुनियादार हूं, मैं तो गरीब नवाज का मानने वाला हूं। मेरी मजबूरी है कि जिस शख्स का मैं नौकर हूं ना, उसने सिखाया ही माफ करना है। जिसके दरे दौलत पे मैं रहता हूं, उन्होंने दरगुजर करना सिखाया है। उधर जब माफी हुई तो ख्वाजा अजमेर ने थपकी भी दी, दुआ भी फरमाई, रब करीम ने शिफा अता फरमा दी। तो ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे, मियां जा, तेरी तंदुरुस्ती होगी, चला जा। कहने लगा, हुजूर अब किसने जाना है? अब तो मैं तेरी दहलीज पे झाड़ू दिया करूंगा। ये हाथ जो तेरी दुआ की बरकत से शिफा याब हुआ है अजमेर के वाली, अब मैं यहाँ झाड़ू दूंगा, अब मैं यहाँ नौकरी करूंगा।